नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम लोग फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर ड्राइवर के बारे में जानेंगे और इस ड्राइवर को बनाने में जो मेन कंपोनेंट का यूज़ किया गया है वो है 555 टाइमर आईसी और आईआरएफपी 460 एन चैनल मॉसफेट। तो दोस्तों, ये जो टाइमर आईसी है, इसके और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं और इसके बारे में यूट्यूब में मैं एक डिटेल में वीडियो बना दूँगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें टोटल दो इनपुट हैं। तो पहला इनपुट है, उसमें 12 वोल्ट 500 मिली एम्पियर का इनपुट है और ये जो इनपुट है वो फ्रीक्वेंसी जनरेटर, जो हमारा टाइमर आईसी है, उसको ड्राइव करता है। और दूसरा जो इनपुट है वो डायरेक्ट फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर को ड्राइव करने के काम में आता है। दोस्तों, हम लोग दो अलग अलग इनपुट इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि बाई चांस जब लोड के कंडीशन में होता क्या है कि वोल्टेज ड्रॉप होता है और वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से यहाँ पे जो ये हमारा फ्रीक्वेंसी जनरेटर आईसी है ये सही तरीके से वर्क नहीं कर पाता है और जिसके वजह से ये जो मॉसफेट है उसके जलने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम लोग दो अलग अलग इनपुट यूज करते हैं। आइए दोस्तों, सर्किट डायग्राम के थ्रू जो सर्किट बनाया गया उसको देख लेते हैं। तो जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये है 555 टाइमर आईसी, उसके बाद ये दोनों जो ट्रांजिस्टर्स थे जो मॉसफेट को ड्राइव करेगा वो यहाँ पे है, उसके बाद ये मॉसफेट है आईआरएफपी 460 एन चैनल मॉसफेट और इसमें ये फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर है। तो चलिए दोस्तों, इसको पावर ऑन करते हैं। दोस्तों, यहाँ से हम लोग जो फ्रीक्वेंसी है उसको वेरी कर सकते हैं। दोस्तों, और भी अगर आपको बहुत बड़ा आर्क चाहिए तो उसके लिए आपको थोड़ा बड़ा फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर का यूज़ करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।